जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। श्रीमद् भागवत गीता में संसार की सभी जानकारियाँ मौजूद है। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसमें पार्थ यानी कि अर्जुन ने भगवान से कई प्रश्न किए थे। उनके उत्तर देकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का मूल ज्ञान प्रदान किया था। आज हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उस संवाद के कुछ अंश आपको बताएंगे। अर्जुन पूछते हैं कि हे परमात्मा, आप कहते हैं कि अगर मन को पूरी तरह से वश में कर लिया जाए तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, तो क्या मन को वश में रखने का कोई सरल मार्ग है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्ग तो है, बेहद सरल है, लेकिन जटिल भी। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य धीर मति वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है, उसके लिए ये काम सरल है, और जिस मनुष्य की मति धीर यानी कि शांत नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, वो पूरी जिंदगी ये काम नहीं कर सकता। अर्जुन पूछते हैं कि आखिर दृढ़ निश्चय कैसे होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दृढ़ निश्चय विश्वास से होता है, विश्वास परमात्मा के धर्म में और अपने कर्तव्य में। जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को जान लेता है तो दृढ़ निश्चय करके अपने मन को वश में करके अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, किन कर्मों का पाप मनुष्य को नहीं लगता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई काम निष्काम कर्म योग के रीत से किया जाए न तो इसका पाप लगता है और न ही पुण्य। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे माधव, कर्म योग आखिर क्या है और इसे कैसे सीखें? इसकी जानकारी देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की साधना के लिए बरसों की तपस्या जरूरी नहीं है, इसे तो केवल एक ही क्षण में पाया जा सकता है। जिस क्षण मनुष्य आसक्ति यानी कि इच्छाओं का त्याग करके फल पाने की जगह अपना कर्तव्य निभाने के लिए कर्म करना शुरू कर दे, वह निष्काम कर्म योग साधक बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर फल पाने के लिए कर्म नहीं किया जाए तो कर्म करने का उद्देश्य क्या होगा? इस उलझन का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म कभी भी फल पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए करना चाहिए। फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए बिना किसी इच्छा या लालच के धर्म की राह पर कर्मों को करते रहें, बस यही एकमात्र रास्ता है जो जीवन को सुख समृद्धि और संतुष्टि से भर देता है। निष्काम इच्छा से किए गए कर्म तुम्हें पाप पुण्य के चंगुल से बचा कर रखेंगे, पाप और पुण्य दोनों के चंगुल से तुम्हें छुड़वा देंगे और तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए कुछ संवाद, अगर आप गीता उपदेश के और भी संवाद जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ ही संवाद हैं, अगर आपको आगे भी इसी तरह के और भी संवाद चाहिए गीता से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है वो भी आप कमेंट में करिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर आपको दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।